सब लोग बहुत खुश हैं कि राम के ऊपर एक मंदिर अभी अयोध्या में जो उनके राम जी के जगह है उधर हो रहा है, तो वी आर ऑल वेरी प्राउड। हमारे नरेंद्र मोदी जी जिसका हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमें गर्व है कि उन्होंने इस बात को लिया पूरा श्रद्धा के साथ, उन्होंने बनाया। बोलने वाला कुछ भी बोलेगा ना, अभी उनका बोलना काम है, विपक्ष में रहते हुए कुछ तो बोलना है। मैं कृष्ण की नगरी से आई हूँ राम की नगरी में लेकिन कृष्ण को ही यहाँ पर भी देखती हूँ और वहाँ पर भी मथुरा में भी राम को भी वहाँ देखती हूँ। जो विरासत है, इतना बड़ा विरासत हमें दिया गया है, उसको पढ़कर उस पर जरा अंदर घुसकर सब देखेंगे समझेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे विपक्ष। सालों साल पहले कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर उधर मस्जिद बनाया गया है। हमारे बॉलीवुड से भी कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कुछ एक्टर लोग सब आने वाले हैं, सो दे आर ऑल इन्वाइटेड, एवरीबडी इज कमिंग, हूएवर इज इन्वाइटेड दे आर ऑल कमिंग, जरूर आ रहे हैं सब लोग। तो इसी से बात मालूम पड़ेगा कि कितना श्रद्धा है लोगों को राम के प्रति। सब लोग बहुत खुश हैं कि राम के ऊपर एक मंदिर अभी अयोध्या में जो उनके राम जी के जगह है उधर हो रहा है, तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ आवर सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे बीजेपी सरकार, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जिसका हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमें गर्व है कि उन्होंने इस बात को लिया पूरा श्रद्धा के साथ, उन्होंने बनाया। और हम आई एम थैंकफुल टू योगी जी ऑल्सो जो सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। बोलने वाला कुछ भी बोलेगा ना, अभी उनका बोलना काम है, विपक्ष में रहते हुए कुछ तो बोलना है, तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि राम के जो मंदिर जो बन रहा है इसके अगेंस्ट भी बोलने के लिए वो लोग तैयार हो गए, तो विच इज़ रॉन्ग ना। बीइंग एन इंडियन, इंडियन बोलते हैं, भारतीय है, हम सब भारत के वासी हैं, तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक काम किया है, भले विपक्ष के हो, कोई भी हो, किसी ने भी किया, तो उसमें जुड़ना ज़रूरी है। विपक्ष की राजनीति न चलाएं इस बात पे, सबको आकर दर्शन लेना चाहिए। अभी नहीं आ रहे हैं तो वो उनका लॉस है, उनका नष्ट है, कि ऐसे एक मौका जो पूरा हिंदुस्तान में पहली बार राम मंदिर बन रहा है, इसका विटनेस नहीं होने का इट इज़ अ लॉस फॉर देम, नॉट फॉर अस। मैं कृष्ण की नगरी से आई हूँ राम की नगरी में लेकिन कृष्ण को ही यहाँ पर भी देखती हूँ और वहाँ पर भी मथुरा में भी राम को भी वहाँ देखती हूँ, सो इट्स सेम फॉर अस। विष्णु का अवतार है, राम के अवतार में आए, फिर कृष्ण के अवतार में आए, तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जो संस्कृति जो है, जो विरासत है, इतना बड़ा विरासत हमें दिया गया है, उसको पढ़कर उस पर ज़रा अंदर घुसकर सब देखेंगे समझेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे विपक्ष के लोग, उनको समझ नहीं है। मथुरा को आप देखेंगे, मथुरा वृंदावन इज ए सिटी ऑफ टेंपल्स, इतने टेंपल्स हैं, इतने मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बट ये जो पर्टिकुलरली ये जो बात कर रहे हैं आप कॉरिडोर की, तो वो बहुत सालों साल पहले कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर उधर मस्जिद बनाया गया है, तो इसके लिए ज़रा सा आपत्ति है लोगों में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस इट विल बी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्ण, जन्मस्थल इज लॉर्ड कृष्णस प्लेस। आप चाहते हैं कि वहाँ भी एक भव्य मंदिर से कृष्ण का बने? मंदिर है, बहुत ब्यूटीफुल है, हमारा कृष्ण जन्मस्थल इज वेरी ब्यूटीफुली डन, एंड इट विल बी मच मोर बेटर इफ समथिंग एल्स इज डन, और भी अच्छा होगा।